हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखने वाले हैं टेंडम सिलेंडर के बारे में। और हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो टेंडम सिलेंडर है उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कंस्ट्रक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास सबसे पहले जो आउटर मोस्ट कवरिंग है या फिर हाउसिंग आप कह सकते हैं, इसे हम कहते हैं सिलेंडर, ठीक है, जिसमें हमारा पिस्टन होता है। इसके बाद जो हमारा आता है पिस्टन, ये जो पिस्टन है ये डबल पिस्टन है और ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास थर्ड है ये पोर्ट्स। तो टेंडम सिलेंडर में हमारे पास चार पोर्ट्स अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी, पोर्ट डी। उसके बाद हम देखेंगे इसके स्ट्रोक्स के बारे में। पहला स्ट्रोक है एक्सटेंशन स्ट्रोक, इसमें अपना जो पिस्टन है वो इनिशियल पोजिशन से फाइनल पोजिशन तक आ जाता है। उसके बाद है रिट्रैक्शन स्ट्रोक, इसमें पिस्टन वापस फाइनल पोजिशन से इनिशियल पोजिशन में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसके वर्किंग के बारे में। वर्किंग के बारे में देखने से पहले मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर दूं। और ये जो पोर्ट ए और पोर्ट सी है ये पंप को कनेक्टेड है बाय दिस लाइन, जो रेड कलर की लाइन मैंने दिखाई है। उसके बाद पोर्ट बी और पोर्ट डी टैंक से कनेक्टेड है, जो कि मैंने ग्रीन कलर के लाइन से शो की है, ठीक है। अब यहाँ से पोर्ट ए और पोर्ट सी में हमारा जो फ्लूइड होगा, प्रेशराइज फ्लूइड, हाइड्रोलिक फ्लूइड, वो यहाँ से फ्लो करने वाला है फ्रॉम पंप। और उसके बाद हम देखते हैं कि आगे अब ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले पोर्ट ए और पोर्ट सी में आप देख सकते हैं कि पंप से प्रेशराइज फ्लूइड फ्लो हो चुका है सिलेंडर में। अब सिलेंडर में फ्लो होने के बाद अब ये यहाँ पे पूरा भर चुका है। उसके बाद ये पहला स्टेप क्या करेगा, पिस्टन को आगे की तरफ धकेल देगा। ये देखिए, इसने पिस्टन को आगे की तरफ धकेला। अब इसके बाद हमें ये एक्सटेंशन स्ट्रोक तो मिल गया। अब रिट्रैक्शन स्ट्रोक के लिए ये जो डीसी वॉल्व है हमारा, ये डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व एक्चुएट होगा। अब डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व का फंक्शन क्या होता है कि ये जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देता है। इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में देख लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व को एक्चुएट किया तो अब जो फ्लो है वो चेंज हो चुके हैं। अब पोर्ट ए और पोर्ट सी टैंक से कनेक्टेड है और पोर्ट बी और पोर्ट डी पंप से कनेक्टेड है, ठीक है। अब क्या होगा, जो फ्लो होगा वो पंप से जाएगा पोर्ट बी और पोर्ट डी में, ये देखिए। और इसके बाद ये क्या करेगा, पिस्टन रॉड को वापस पीछे की तरफ ढक लेगा। और मीन वाइल साइमल्टेनियसली ये जो हाइड्रोलिक फ्लूड होगा वो पोर्ट ए और पोर्ट सी से वापस टैंक में फ्लो हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा जो डीसी वॉल है वो एक्चुएट होते रहेगा और ये जो हमारा पिस्टन रॉड है वो एक्सटेंशन स्ट्रोक और रिट्रेक्शन स्ट्रोक में मूव करेगा, ठीक है। तो ये थी वर्किंग टेंडम सिलेंडर के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट में प्लीज़ बता देना, एक लाइक करना। थैंक यू।